अस्सलाम नाज़रीन, डिफाइन न्यूज़ के साथ सुधीर हुसैन। से पहले नई ताज़ा हुकूमत ने पेट्रोल बढ़ाकर आवाम की जेबों से ईदी वसूल कर ली है। आवाम इस इकदाम को किस तरह देखते हैं? जो गरीब आदमी पहले ही सख्त परेशान है, दो वक्त की रोटी के लिए आवाम से राय लेते हैं, ये बोझ मजदूर वो किस तरह बर्दाश्त करें? भाई जानी, ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? भाई हमारे साथ तो बहुत जुलम हुआ, हम नौकरी वाले आदमी है। अच्छा, कारोबारी बंदी को तो शायद ना महसूस हो, हमारे को तनखा वो ही नहीं भाई, तनखा वो ही है। अच्छा, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज और महंगी हो जाएगी। अच्छा, असल ही हम गरीबों की मदद करे रमजान का। चलो ये तो अचरा तो छोड़ते, थोड़े दिन तो छोड़ते ना, अभी बच्चों की खुली तो बरोख करनी, लेने जाएंगे वो भी महंगी, कोशिश तो करेंगे लेकिन मुश्किल बहुत। महंगाई तो गरीब लाई, पहाड़ गिर गया है, अभी पहाड़ गिर गया, बम गिरा दिया बड़ा गरीब। ऐसे आवाम पहले से ही तो कह रही है कि हम काफी रिलीफ दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं। कोई भी नहीं दिया अभी तक। अच्छा। अभी तक कोई भी नहीं दिया, भिखारी बना दिया, लेडीज को भिखारी बना दिया, लाइन में खड़ी है, ये तो भिखारी बना लिया है हुकूमत ने, हुकूमत ने भिखारी बना लिया ये खिराज पे, और क्या रहे, ये भीख मांग रहे। अच्छे अच्छे खानदान सफेद वाले कपड़े वाले पहने वाले, वो भीख मांग रहे रात को, देखो पूरी कराची में देखो 100 से 30% सफेद कपड़ों वाले भीख मांग रहे। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे, बहुत जुल्म हो रहा है। अच्छा, बस चमड़ी उतर रही है लोगों की, नानसाफी हो रही है और कोई पूछने वाला है नहीं, तो वारी वारिस है नहीं यहाँ का, तो किसके आगे रोए, किसके आगे फरार करें? हम क्या चाह रहे हैं, हर चीज काम हो, सहूलत मिले, गरीब मिले लोगों को, हर चीज ये दिन ब दिन ऊपर आ रही है, नीचे नहीं आ रही है। ईद आ रही है, ईद आ रही है, बहुत मुश्किल हो रही है बहुत। अभी मैं खुद क्यों बच्चों को स्कूल में ये आगे लेना, समझो इंसान की बस की बाहर है ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो, बहुत मुश्किल है। जिनकी तनखाएं जो भी है वो किस तरीके से गुजारा करेंगे, किस तरीके से अपना घर चलाएंगे, बहुत मुश्किल हो रही है। रोटी रोटी कमाना भी बहुत बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। डकैतियां दिन दहाड़े हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया। पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या महंगा हो गया? कोई तैयार नहीं है, किराया देने तैयार नहीं है, जिसकी बुरा मांग देते नहीं है, कम ज्यादा पूरे नहीं होते, ये मसले कोई रोजगार बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो क्या मतलब, पेट्रोल कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो, रोजगार होगा, हर चीज हो गया, पेट्रोल में हर चीज और चीज महंगी, खाने की चीज महंगी हो जाएगी। क्या करते हैं, क्या हमारा ये कह रहे हैं, रिलीफ होना चाहिए अभी, क्या सवार एक नहीं, ईद तो मौका, हर चीज लोग बच्चों कपड़े पूरे होते, खाने पर घर का पूरे होता है, चूल्हा चला घर का वो सिस्टम चलता है, गाड़ी सिस्टम चलता है, नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं होती सर। हमारा दिल करता है गाड़ियों को आग लगा दें, गाड़ियां खड़ी करके उसको आग लगा दें। इस हुकूमत को हम क्या करेंगे? ये हुकूमत किसी काम की नहीं है, जरदारी ये नवाजी दोनों एक ही थाली के चटे पटे आ गए, दोबारा हम गरीबों का सांस निकालेंगे। अब क्या समझते हैं गरीबों को? कोई कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं नहीं कुछ नहीं मिलेगा गरीबों को, गरीबों को क्या मिलना है समझा? मैं खुद जरदारी के साथ रहा हूँ, मुझे पता है, मैं जरदारी को जानता हूँ, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये अगर 2 अरब रिलीफ दिया है ना, 6 अरब इन्होंने और निकाल लिया, 4 अरब फिर भी इनको बचा थे, क्या रिलीफ देंगे? ये तो दिखा के एक मारते दूसरा है, समझा? आए दिन पेट्रोल भर रहा है, पेट्रोल बम आए दिन पेट्रोल बम गिर रहे हैं, समझा? हम कहाँ जाए बताओ? गरीब आदमी, इन्होंने पहले ही कहा था कि गरीब नहीं रहना, गरीब नहीं चढ़ना। पेट्रोल तो एक तो रमजान लगा पड़ा है, इस हवाले से हम आवाम को सहूलत देनी चाहिए हुक्मरान को। एक तो हमारे हुक्मरान अच्छे नहीं है, यहाँ पे पेट्रोल वाला ही बस सारे 32,000 तनख्वाह है, इसमें क्या गुजारा होगा? 32,000 तनख्वाह है, इसमें पेट्रोल भरवाए या घर का राशन ले अपना घर का। अच्छा, भाई से मैंने पता किया, उन्होंने बोला है कि हमने भाई के भी बेच दिए हैं, क्या सही कह रहे हो भाई? ये बात सही, मैं खुद बेची है भाई बाइक। क्यों बेची है? बेची ये पेट्रोल की वजह से, महंगा होने की वजह से, महंगी महंगाई की वजह से। नाजरीन देखें जी, जी क्या करें, खाना खाएं, बच्चों को घर का किराया दें, बच्चों को खिलाएं, कहाँ से पूरे करें? गरीब मिडिल क्लास के लोग हैं हम, आवाम तो उनको तबाह आवाम करना है खुद। जब ये ब्यूरोक्रेट और तमाम जितने हमारे मिनिस्टर एमपीए, इनको 220 अरब का जो है वो तेल फ्री है, और इनको बिजली जो 500 साढ़े 500 अरब इनको फ्री है, उनको क्या है? मरना तो आपको उनके सारा बोझ गरीब आवाम, अब आपके बस वो तबाह इनको करना है, उनको तो कोई फरवा नहीं, उनको हर रियायत हर स्पेशलिटी उनको है। ये पाकिस्तान बना ही फौजियों और इकमरानों के लिए, आवाम के लिए नहीं बनाइए। नहीं, हुकूमत तो कह रही है कि हमने रमजान में रिलीफ दे रहे हैं, अभी ये तो हजार रिलीफ आ गया कि आप अभी जो है
10 रुपए कल 20 रुपए बढ़ा देंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है? पर तो आप हम गरीब लोगों को जो ये पेट्रोल महंगा होता है ऑटोमेटिक हर चीज महंगी होती है, बढ़ जाएगा हर चीज, जितनी भी वो सब चीज में ऑटोमेटिक अब क्या मुतालबा करते हैं, क्या करना चाहिए? अब तो कर रहे भाई ये तबाह, ये असल हुक्मरानों का इस्तेखराब होना चाहिए और जो बड़े जनरल हैं इनका इस्तेखराब होना चाहिए तो मुल्क सही हो जाएगा। ये खाने वाला असल ये है, अवाम को तबाह बर्बाद पूरा मुल्क गिरवी इनने क्या है, अगर इनका मराज खत्म हो जाए तो हमारा कल्ला कर सकता है और वो बोल नहीं सकता है, उनके लिए बोला ही नहीं जा सकता है कि भाई वो आप क्या कहेंगे? बस क्या कर सकते हैं, जालिम हुकूमत के बारे में क्या कह सकते हैं, हमें तो रिलीफ मिलेगा ही, गरीब तो वैसे ही मर गया है और भी मारेंगे, इससे अच्छा है कोई मिडिल क्लास। आप तो हम जैसे लोग गरीब तबके में आते हैं ना जी, तो आप ये कि अभी ये किस तरह अफोर्ड करेंगे? आप नहीं करेंगे, अभी पैदल चलेंगे या साइकिल खरीदेंगे, इनको बदवाए देंगे, बिल्कुल बेच देंगे, क्या करेंगे, साइकिल ले लेंगे, पैदल चलेंगे, हुकूमत को 24 घंटे बदवाए देंगे और क्या कर सकते हम गरीब लोग। इसके अलावा पहले ही हुकूमत ने कहा है कि भाई गरीब एक भी नहीं बचेगा, तो अभी ये टाइम आ गया है, एक भी नहीं बचेगा गरीब। ठीक है बाइक में यार, रात को हमें पता चला है पेट्रोल ज्यादा महंगा हो गया, महंगा हो गया। हाँ तो फिर हमें तो पता नहीं था, फिर पेट्रोल नहीं डलवाया, लेट आते हैं ड्यूटी से। अच्छा हो गए, सुबह निकले हैं तो फिर ये हाल है आपके सामने, तकरीबन कोई 1.5-2 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं। अल्लाह, क्या समझते हैं ये हुकूमत के, क्या करना चाहिए? ना है हुकूमत के बारे में हम क्या कहें, इनको पता है हमारे अपनी आवाम के बारे में सोचना नहीं है, बस सीटें लेनी उसके पास बैठ जाना सीटों से, और क्या होता है, अच्छा थोड़ी सोचेंगे हमारे लिए, गरीब हो अमीर हो, अमीर तो उसके लिए तो मसला नहीं है। अच्छा, ये है कि भाई जैसे पेट्रोल महंगा होता है तो ऑटोमेटिक हर चीज महंगी हो जाती है, तो इन लोगों ने एक ड्रामा बनाया होगा है ना कि भाई जब आपकी कोई चीज है वो पेट्रोल पे आ रही होती है, कन्वेंस के जरिए होती, बोल के हमारे को चुप कर दे। नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी, ज्यादातर लोगों का यही कहना था, वो दुहाइयां देते हुए चिल्लाते हुए चीख रहे थे और बहुत मायूसी के आलम में थे कि आज के दौर में हकीकत ये है कि दो वक्त की रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया है, ऊपर से माह रमजान है और ईद की आमद आमद है, बच्चों को किस तरह ईद की शॉपिंग करा सकेंगे, किस तरह खरीदारी कर सकेंगे, अगर पेट्रोल बढ़ता है तो दुनिया की ऑटोमेटिक हर चीज बढ़ जाती है, तो गरीब आवाम बहुत दुआइयां देते हुए परेशान थे, उनका यही जो मुतालबा है हुकूमत से कि खुदारा खुदारा हमें रिलीफ दिया जाए और ये फैसला वापस लिया जाए और हमें